जब से फ्री फायर में कैरोस कैरेक्टर आया, आप लोगों के एक ही डिमांड है कि भाई कैरोस कैरेक्टर का कॉम्बिनेशन वीडियो बनाओ। सीएस मैच में कैरोस कैरेक्टर के साथ कौन सा और कैरेक्टर बेस्ट रहेगा, या फिर फुल मैप में कौन सा कैरेक्टर बेस्ट रहेगा, तो आज की वीडियो में कैरोस कैरेक्टर का बेस्ट कैरेक्टर कॉम्बिनेशन वीडियो बताने वाला हूं, तो वीडियो को पूरा इन तक देखिए। ओके, सबसे पहले मैं आपको सीएस मैच के कॉम्बिनेशन के बारे में बताऊंगा एंड उसके बाद मैं आपको फुल मैप के बारे में बताने वाला हूं। तो हमारा जो पहला कॉम्बिनेशन होने वाला है वो सीएस मैच का होगा, जहां पर पहला कैरेक्टर आपका कैरोस होने वाला है। और मैं आप लोगों को कैरोस कैरेक्टर के बारे में काफी वीडियो में बता चुका हूं, बट फिर से मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूं। बेसिकली इसमें दो मोड है। पहला मोड पे क्या करता है, हर सेकंड आपको 2 EP देता है, 200 EP तक देगा। जैसे फुल होगा ब्रेकर मोड में आ जाएगा। ब्रेकर मोड में जैसे किसी बंदे को हीट करोगे, फायर करोगे, 5 HP पर सेकंड आपका कम होने लगेगा। और उसके बाद जब बंदे को मारोगे तो उसका जो वेस्ट है वो काफी कम गोली में टूट जाएगी। टूटने के बाद आपको इस टाइप का एनिमेशन भी शो करता है एंड डैमेज भी काफी अच्छा खासा दे देता है। ठीक है, तो आपको कैरस कैरेक्टर के बारे में समझ में आ गया होगा। सो गाइस, बेसिकली यहाँ पर कैरस कैरेक्टर के साथ आपको पहला जो कैरेक्टर कॉम्बिनेशन लगाना है वो मिग्यूल लगाना है। कैरस कैरेक्टर को एक्टिवेट करने के लिए आपके पास 200 AP होना चाहिए, और जैसे बंदे को मारोगे, नॉक करोगे, तो आपको यहाँ पर 200 AP रिकवर हो जाएगा। मिग्यूल कैरेक्टर आपको 200 AP दे देगा, आपका जो कैरस कैरेक्टर वो एक्टिवेट हो जाएगा। थर्ड हमारा कैरेक्टर कॉम्बिनेशन होने वाला वो लूना होने वाला है। अब जैसे ये एक्टिवेट मूड में आता है हमारा कैरस कैरेक्टर, तो यहाँ पर लूना क्या करती है, इसका रेट ऑफ फायर बढ़ा देती है। मतलब जब फायर करता तो रेट ऑफ फायर बढ़ जाता है, मतलब कम टाइम में आपका ज्यादा गोली गन से निकलती है और सामने वाले को जाकर के हिट होती है। चौथा हमारा जो कैरेक्टर स्किल का कॉम्बिनेशन होने वाला है वो एक्टिव स्किल से होने वाला है, जिसका नाम है ओरियन। सो गाइस, जैसे कि आपको पता है कि ओरियन क्या करता है कि जैसे इसके पास 200 क्रिम्सन एनर्जी रहता है, ये एक्टिवेट हो जाता है। इसे एक्टिव करोगे सामने वाले से हेल्थ भी लेता है एंड वो फायर करता है तो आपके ऊपर फायर नहीं लगता है। तो आपको पता है कि कैरोस आपको ईपी दे ही रहा है। मिग्यूल अगर आप लोग नॉक करते हो, क्लियर करते हो बंदे को, तो 200 EP वहां से रिकवर हो जाएगा, तो आपको ओरियन हमेशा आपका एक्टिवेट रहेगा। इसलिए मैं बता रहा हूँ ये सीएस मैच के लिए काफी बेस्ट यहाँ पर कॉम्बिनेशन होने वाला है। आप लोग भी ट्राई कीजिए और अपने दोस्तों को शेयर कीजिए ताकि उसको भी अच्छा कॉम्बिनेशन मिल सके। ओके, अब मैं आपको बताने वाला हूँ फ्री फायर के फुल मैप का कैरस कैरेक्टर का कॉम्बिनेशन के बारे में। सुखे, सबसे पहले तो आपको कैरस कैरेक्टर लगाना है। सेकंड नंबर पे आपको नैरी लगाना है। नैरी कैरेक्टर को इसलिए लगाना है क्योंकि आपको पता है कि भाई नैरी कैरेक्टर का कितना इंपॉर्टेंट हो चुका है फुल मैप में। अगर आप लोग वॉल लगाते हो तो सामने वाला बंदा वॉल तोड़ देता है, बट नैरी लगाने के बाद आपका वॉल काफी मजबूत हो जाता है। प्लस में अगर आपके वॉल पे कोई डैमेज देता है तो आपका हेल्थ भी बढ़ता है, तो इसलिए आप लोग नैरी कैरेक्टर लगा सकते हो। थर्ड नंबर का जो हमारा कैरेक्टर होने वाला है वो मारो कैरेक्टर होने वाला है। जैसे कि आपको पता है कि मारो कैरेक्टर क्या करता है कि अगर आप लॉन्ग रेंज में हो, डिस्टेंस में हो एनिमी के साथ, तो आपका डैमेज भी इंक्रीज कर देता है। और उसके साथ साथ अगर आप लोग कैरियस कैरेक्टर का ब्रेकर मूड में रहते हो और अगर डिस्टेंस में मारो कैरेक्टर लगा के मारोगे ना, तो सामने वाला बंदा पागल ही हो जाएगा भाई। तो आप लोग यहां पर थर्ड नंबर पर मारो कैरेक्टर लगा सकते हो। और हमारा जो चौथा कैरेक्टर होने वाला वो एक्टिव स्किल से होने वाला, जिसका नाम है के कैरेक्टर। आपको पता होगा कि हमारा के कैरेक्टर क्या करता है, यहां पर 250 तक यहां पर ईपी आपका देता है। और प्लस में यहां पर ये क्या करता है ना, यहां पर जो ईपी कन्वर्जन रेट है वो भी काफी हाई कर देता है। मतलब ईपी एचपी में काफी स्पीड यहां पर कन्वर्ट होता है, तो काफी अच्छा कैरेक्टर होने वाला है। के कैरेक्टर आपको ईपी देगा तो आपका कैरस कैरेक्टर भी यहां पर एक्टिवेट रहेगा। तो फुल मैप के लिए ये भी बेस्ट है। एंड अगर आपको कोई कैरेक्टर लगता है कि भाई ये बेस्ट कॉम्बिनेशन होने वाला, तो कमेंट सेक्शन में बता देना। एंड हाँ, वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक करो। मिलते हैं स्टूडियो में, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत।